नमस्कार, मैं हूं कमल और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1 नवंबर 2024 से पूरे देश में लागू होने वाले 10 बड़े नए नियमों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि कौन कौन से वो बड़े नए नियम हैं, किन किन योजनाओं पर ये 10 बड़े नए नियम लागू किए गए हैं और कैसे इस नियमों का आपको पालन करना है। तो ऐसे में इसकी सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे। तो आशा करूंगा ये मेरी छोटी सी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मेरी आने वाली नेक्स्ट जानकारी सबसे पहले आप देख पाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1 नवंबर 2024 भारत देश में कई नियमों को लागू किया गया है एवं कुछ नियमों में बदलाव भी किए गए हैं, जिसके कारण भारत के लोगों की आम जिंदगी में काफी बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसमें आपको LPG गैस सिलेंडर, बिजली बिल, बैंक खाता एवं अन्य जानकारियों से जुड़ी हुई सारी अपडेट सम्मिलित की गई है। ये सभी नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होने जा रहे हैं। इससे पहले आपको इन सभी नियमों की जानकारी विस्तार से होना जरूरी है, क्योंकि कौन कौन से नियम हैं, कैसे नियमों में बदलाव किए गए हैं, तो ऐसे में इसकी जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए। तो आपको वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, तभी जाकर आपको ये जो नियम है सभी आपको समझ में आने वाले हैं। पहला जो बड़ा बदलाव है, LPG गैस सिलेंडर की नई दरें आपको देखने को मिल सकती है। 1 नवंबर से LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किए गए हैं। घरेलू उपयोग आने वाले सिलेंडर की कीमत में मामूली बदलाव हुआ है, जबकि कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 48 रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे रेस्टोरेंट और छोटे व्यवसाय को प्रभावित होना पड़ सकता है, जबकि घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए राहत की उम्मीद है। दूसरा जो बड़ा नियम है, बिजली बिल भुगतान के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। बिजली बिल भुगतान के लिए 1 नवंबर से कुछ नए नियम लागू हो चुके हैं। अब बिजली बिल का भुगतान समय पर न करने पर अतिरिक्त जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही कई राज्य सरकारें स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम को भी लागू कर रही हैं, जिससे बिल के भुगतान की प्रक्रिया को और भी अधिक पारदर्शी और संचालित बना रही है। तीसरा जो बड़ा नियम है, बैंक खातों में आधार लिंक करना अनिवार्य है। ये एक बड़ा नया नियम लागू किया गया है। यदि आप अभी तक अपने बैंक खाते में आधार लिंक नहीं किया है तो 1 नवंबर के बाद आपका बैंक खाता निष्क्रिय हो सकता है। सरकार ने बैंक खातों को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि सब्सिडी और अन्य योजनाओं का लाभ सीधे खाते में पहुँच सके। तो ये भी आपको बहुत जरूरी है, आपके बैंक अकाउंट से आधार लिंक करना। चौथा जो बड़ा बदलाव है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 1 नवंबर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम में भी थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इससे आम लोगों के यात्रा खर्च में कमी आ सकती है और आसानी से वो अपनी यात्रा को पूरी कर सकते हैं। पांचवा जो बड़ा बदलाव है, स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर GST की दरों में कटौती आपको देखने को मिल सकती है। सरकार ने 1 नवंबर से स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर लगने वाले GST की दरों में कटौती करने की योजना बनाई है। इस कदम में बीमा प्रीमियर पर खर्च कम होगा और लोगों को आसानी से बीमा योजना का लाभ उठा सकेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको जो 1 नवंबर से GST की दरों में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, जो कि हर व्यक्ति अपना जीवन बीमा को पूरा कर सकता है, वो भी बहुत आसानी से। छठा जो नया नियम है, फ्री गैस सिलेंडर योजना के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। 1 नवंबर से सरकार ने फ्री गैस सिलेंडर योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया में बदलाव किए हैं। अब फ्री गैस कनेक्शन के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। पहले ऑफलाइन होता था, अब आपको ऑनलाइन इसका आवेदन करना होगा। साथ ही इसकी पात्रता और मापदंड को भी सख्त कर दिए गए हैं। यह कदम योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है, क्योंकि पहले बहुत सारे फर्जी कनेक्शन चलते थे, तो अब ऐसा इसमें नहीं होने वाला है, क्योंकि पात्रता और मापदंड इसमें सख्त कर दिए गए हैं। सातवां जो बड़ा बदलाव है, स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दरों के अंदर बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम जैसे कि PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, NSC और SCSS की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना पर अभी भी आपको 8.2% ब्याज मिलेगा, जिससे निवेशकों को राहत की सांस मिलेगी।
मतलब कि इसमें आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, जैसा है वैसा ही रहने वाला है। आठवां जो बड़ा बदलाव है, हवाई यात्रा के किराए में गिरावट देखने को आपको मिल सकती है। जेट फ्यूल की कीमतों में गिरावट के कारण 1 नवंबर से हवाई किरायों में कमी आने की उम्मीद है। खासकर जो फेस्टिव जो सीजन के दौरान यात्रा करने वाले इन बदलाव का फायदा ले सकते हैं। ये योजना उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो छुट्टियों के दौरान यात्रा में घूमने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। नवा जो बड़ा बदलाव है, जीएसटी में बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। सरकार ने 1 नवंबर से 100 से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती की योजना बनाई है। ये कदम आम जनता के राहत देने के लिए उद्देश्य में बनाई गई है। इसके साथ ही कुछ सेवाएं पर भी जीएसटी की दरों में कमी की जा सकती है, जिससे लोगों को सीधा फायदा होने वाला है। तो जीएसटी के ऊपर आपको कटौत देखने को मिल सकती है, जिससे आपको फायदा होने वाला है। दसवां जो नया नियम है, उसमें थोड़ा सा बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि रिजर्व बैंक की एमपीसी मीटिंग के बाद ये तय किया गया है कि 1 नवंबर से लोन और ईएमआई दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसमें होम लोन और अन्य लोन की ईएमआई में वृद्धि की संभावना नहीं है। लोन लेने वाले के लिए ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि इसके अंदर में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। रिजर्व बैंक की एमपीसी मीटिंग में ये फैसला लिया गया है, क्योंकि इसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। साथ ही निष्कर्ष 1 नवंबर 2024 से लागू होने वाले ये नए नियम आम आदमी के जीवन पर सीधा प्रभाव डालेंगे, चाहे वह एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत हो या बिजली बिल का भुगतान हो या फिर बैंक खातों में आधार लिंक करने की अनिवार्यता हो। सभी महत्वपूर्ण बदलाव आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता दिए हैं। तो आशा करूंगा ये मेरी छोटी सी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मेरी आने वाली नेक्स्ट जानकारी सबसे पहले आप देख पाइए। और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, तो आप उसे भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम वहाँ पर भी ऐसी वीडियो डालते रहते हैं। और आपको ये मेरी वीडियो जो 1 नवंबर 2024 से पूरे देश में लागू होने वाले 10 नए नियम हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ में समझाए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।